स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक. इन टुडे क्लास वी विल रीड द चैप्टर नंबर 6, द कैमल एंड द जैकॉल. ये स्टोरी कैमल और जैकॉल से रिलेटेड है और आपने इसको अच्छे से रीड करना है और मेरे साथ स्पीक आउट करना है. ओके, लिसन केयरफुली एज द स्टोरी इज रीड आउट टू यू बाय योर टीचर. अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बताया गया है कि जब आपके टीचर इसको रीड कर रहे हों तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है. फेबल्स मिथ्स एंड लेजेंड्स. फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसमें कैरेक्टर जो है एनिमल्स होते हैं, ठीक है. मिथ्स ये हमारी पौराणिक कथाएं होती हैं और जिनमें पौराणिक कथाओं का वर्णन होता है, ठीक है. लेजेंड्स, लेजेंड्स ये स्टोरी हो सकती, वो स्टोरी होती हैं, यानी सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता. लेकिन ये स्टोरीज जो है वो शिक्षाप्रद होती हैं, यानी इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है. तो जो फैबल्स मेथ फैबल्स यानी जो स्टोरीज होती है एनिमल से रिलेटेड, मतलब कि उसमें पात्र एनिमल के होते हैं, कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें उनसे. मेथ हमारी पुरानी का पौराणिक किसी बुक से रिलेटेड, धार्मिक बुक से रिलेटेड हो सकती है या प्रकृति के से रिलेटेड हो सकती है. तो लेजेंड्स ऐसी स्टोरी जो होती हैं, ओल्ड स्टोरी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आती हैं. तो ये स्टोरीज जो हैं आर स्टोरीज दैट हैव बीन कमिंग डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मतलब कि ये जो स्टोरीज हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से आती रहती हैं. इनका कुछ पता नहीं कि कब मतलब कि हुआ था, लेकिन ऐसा ये हमारे को जब हम कोई हमारे बड़े कहानी सुनाते हैं फिर हम आगे उस कहानी को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं. आवर ग्रैनी इज टेलिंग अ स्टोरी. और ये स्टोरी हमें कौन बताता है? हमारी ग्रैनीज यानी जो दादी दादी हैं, नानी हैं, ये सब हमें स्टोरी ये सुनाती हैं. विच दे हैड हर्ड फ्रॉम देयर ग्रैंड मदर्स बट आर दे ट्रू, हु नोस. यानी कि विच दे हर्ड, मतलब कि जो हम सुनते हैं कभी कई बार हम अपने दादी से सुनते हैं, नानी से सुनते हैं, ये ट्रू हैं या नहीं कौन जानता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है. बट द लेसन दे टीच अस हेल्प अस टू बी ट्रू टू आर सेल्फ एंड टू अदर्स. लेकिन बट द लेसन यानी जो हमें इनसे सीखने को मिलता है, जो ये स्टोरी हमें सिखाती हैं, इनकी हेल्प टीचर्स हेल्पर्स, मतलब ये हमें सिखाती हैं, हमारी हेल्प करती हैं, और ये ट्रू भी हो सकती हैं हमारे लिए एंड टू अदर दूसरों के लिए. जस्ट लाइक दिस फैबल, ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं विच टीच अस नॉट टू लीव आवर फ्रेंड, ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहिए. When they are in trouble, जब वो कभी परेशानी में हो. Have you heard the wise saying or the proverb? आपने किसी मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हुए सुना है कि या ये प्रोवर्ब को कहते हुए सुना है, A friend is need is a friend indeed. यानी वही सच्चा मित्र है जब जरूरत के वक्त वो हमारे काम आता है. तो ये स्टोरी जो है इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है, कि ये दो मित्रों की कहानी है, कैमल एंड जैकॉल. और इस स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो दो मित्र जो हैं अलग हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, हम स्टोरी को रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. डियर वंस lived a camel and a jackal who were very good friends. मतलब कि कैमल और जैकाल कहीं पे मतलब एक जगह रहते थे
और वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। वंस डे द जैकल केम टू नो दैट देयर वाज अ फाइन फील्ड ऑफ सुगर कैन ग्रोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। एक दिन जैकल को पता लगा कि यहाँ नदी के उस पार सुगर कैन यानी गन्ने के बहुत ही बढ़िया खेत हैं। सो ही वेंट टू द कैमल एंड टोल्ड हिम अबाउट इट। और वो कैमल के पास गया और उसने इसके बारे में बताया। लेट अस गो टू द फील्ड, आओ हम खेत में चलें। व्हाइल यू एंजॉय द जूसी सुगर कैन, जब तुम उस जूसी सुगर कैन यानी गन्ने को खा रहे होगे, आई एम श्योर टू फाइंड मैनी क्रेब्स बॉन्स एंड डेड फिश बाय द वाटर साइड। उसने कहा कि आई एम श्योर, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि मेरे को वहां पर वाटर साइड जो नदी के किनारे बहुत सारी क्रेब्स केकड़े मिल जाएंगे और डेड फिश की हड्डियां मिल जाएंगी मुझे वाटर साइड यानी पानी के किनारे में। विच विल मेक अ टेस्टी डिनर फॉर मी, जो कि मेरे लिए बहुत ही टेस्टी डिनर होगा। दिस प्लान विल सूट अस बोथ, और ये जो प्लान है, योजना है, ये हम दोनों के लिए बहुत ही सही है। वॉट डू यू से, तुम क्या कहते हो? इट्स फाइन बाय मी, मुझे भी ये ठीक लग रहा है। होप ऑन टू माई हम एंड लेट्स गो, मेरी हम कैमल के पीठ पे हम्प होता है, तो उसने कहा कि मेरी पीठ हम्प पर कूद कर बैठो, लेट्स गो, आओ चलते हैं, रिप्लाइड द कैमल। कैमल ने कहा। द कैमल स्वैम अक्रॉस द रिवर विद द जैकल ऑन हिज बैक। कैमल ने नदी को पार किया, उसमें तैरता हुआ गया नदी में और जैकल उसकी पीठ पर बैठ करके उन दोनों ने नदी को पार किया। सिंस वी ऑल नो दैट जैकल्स कैन नॉट स्विम, जैसा कि हम जानते हैं कि जैकल जो है वो तैर नहीं सकता। व्हेन दे रीच्ड द सुगर कैन फील्ड, जब वो सुगर कैन यानी गन्ने के खेत में पहुंचे, द कैमल एम्बल्ड अक्रॉस टू ईट द सुगर कैन। कैमल जो है वो धीरे धीरे एम्बल्ड में सोता है, वॉक स्लोली, ठीक है, बिना किसी जल्दी के, एम्बल्ड में सोता है, धीरे धीरे चलना बिना किसी जल्दी के। तो कैमल जो है बहुत धीरे धीरे चला अक्रॉस टू ईट द सुगर कैन, मतलब कि वो सुगर कैन खाने के लिए, गन्ने को खाने के लिए बहुत आराम से गया, कुछ कोई जल्दी नहीं थी। द जैकल रैन अप एंड डाउन द रिवर बैंक डिवोरिंग ऑल द क्रैब्स डेड फिश एंड बॉन्स ही कुड फाइंड। जो जैकल था वो कभी ऊपर दौड़ता, कभी नीचे दौड़ता नदी के किनारे पर, और बड़ी जल्दी से, मतलब फटाफट क्रैब्स को खाता और डेड फिश को खाता एंड बॉन्स हड्डियों को खाता। ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिल रहा था वो उसे फटाफट खा रहा था। बीइंग अ मच स्मॉलर एनिमल ही फिनिश्ड हिज मील क्विकली, एक छोटा मतलब कि एनिमल होने के नाते उसने अपना खाना जल्दी से खा लिया, क्योंकि वो छोटा था तो उसका पेट जल्दी से भर गया। द कैमल हैड जस्ट अबाउट नाउ टर्न द पेज, और वी विल रीड दिस नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।